बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार शामी बर्गर बनाने लगी हूँ और उसको बनाना बहुत ही आसान है। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने ऑयल अंडे 3 अदद लिए हैं और एक मैंने फेंट लिया है। शामी कबाब 3 अदद, प्याज, बंद गोभी, बर्गर 3 अदद, काली मिर्च और नमक हसबे जायका। और इसके अलावा हम मायोनीज और केचप भी यूज़ करेंगे। चलिए हम शामी बर्गर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अंडे फ्राई कर लेंगे और ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल लिया, वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अंडे डाल लेती हूँ। ये एक एक अंडा हर शामी बर्गर में यूज़ होगा। इसको अच्छे से पका लेते हैं दोनों साइड से। अंडे के साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा और मज़ेदार लग रहा है। इसी तरह दूसरी साइड से पकाकर इसको प्लेट में निकाल लेंगे। एक अंडा हमने फ्राई कर लिया, इसी तरह दूसरा अंडा भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च भी ऐड की है टेस्ट के लिए। आराम से एहतियात के साथ साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बर्गर फ्राई कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है फ्राई पैन में। लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे ताकि बर्गर जल ना जाए। इसके साइड चेंज कर लेते हैं। लाइट सा इसको बस हम फ्राई करेंगे। निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। इसी तरह इसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरह सारे बर्गर फ्राई कर लेंगे। बर्गरों की फिलिंग स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम इसके ऊपर वाले पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामी लगाते हैं। शामी को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कि पूरे बर्गर पर पूरी आ जाए। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर अंडे लगाते हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा केचप लगा लेती हूँ। और इसके ऊपर केचप और मायोनीज लगाने की वजह यह है कि जो सैलेड है वो इसके ऊपर चिपक जाए। अब मायोनीज लगा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सैलेड लगा देते हैं, बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज। प्याज को मैंने पहले नमक लगा लिया था, नमक लगा के धोया है ताकि इसकी जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाए। इसकी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और इसी तरह शामी कबाब की जो वीडियो भी फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। अब बर्गर के जो दूसरे पार्ट थे उसमें मैं केचप और मायोनीज स्प्रेड कर लेती हूँ। मायोनीज लगा लेती हूँ। अब हम इनको इसके ऊपर लगा लेते हैं। हमारे बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। आप भी इसको बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।